माँ जी, जैसे हमारे मायके से लोग आए हैं, वैसे साक्षी भाभी के मायके से भी तो लोग आए हैं ना। चोरी तो इस घर के अंदर हुई है ना, और वो लोग भी इस घर के अंदर ही थे। और अगर उन्होंने चोरी नहीं की है तो उन्हें तलाशी से भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बैठ जाइए। आइए। रुक जाइए। सबको वापस क्यों बुला लिया? क्योंकि इस घर से एक कीमती हार चोरी हुआ है और ये लोग भी घर में मौजूद थे, तो तलाशी तो लेनी पड़ेगी ना। इसलिए तलाशी दीजिए और अपना मान सम्मान बचा लीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कोई तलाशी नहीं होगी इनकी। बिंदिया का नया रूप देखकर क्रिश के उड़े होश। हमने देखा सुहागन के एपिसोड में किस तरीके से जो बिंदिया के घर वाले हैं उनकी साक्षी बेइज्जती करती है। पहले तो भाई पायल ने बेइज्जती कर दी थी अपनी दादी की। वो आती है दादी के पास और दादी को बोलती है कि आप तो मुझे प्यार नहीं करती, आप बिंदिया को प्यार करती हो और बिंदिया को ही सबसे ज्यादा आपने सारी चीजें सिखाई हैं, मुझे तो मेरे से तो बहुत सौतेला व्यवहार किया आपने। और दादी को कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा सा बुरा भी लगता है। यहाँ पर ये सब देख कर ना क्रिश आ जाता है और क्रिश गुस्सा करता है पायल के ऊपर। वो बोलता है, पायल मुझे ये सब उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम किस तरीके से बात कर रही हो दादी से, और दादी तो तुम्हें इतना प्यार करती है। वहीं पर ना पायल तो भाई पता ही है कितनी चलाक है, तो पायल बोलती नहीं तुम्हें नहीं पता है कि ये दादी है ना मुझसे सौतेला व्यवहार करती है और बिंदिया को ही सबसे ज्यादा प्यार करती है। और वो क्रिश को किसी भी तरह फंसा लेती है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो पायल है ना, वो अपना जो प्लानिंग है उसकी वो पूरा कर रही है, रूम में बंद हो जाती है। और हमें पता है ना कि उसको कैसे सब लोगों को बताना है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि झूठी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे ये दिखाना है घर वालों को वो क्रिश के बच्चे की मां बनने वाली है। और यहां कहीं ना कहीं भाई जो क्रिश है ना वो भी फंस गया है पायल के इस बहकावे में। फिर हम देखते हैं कि साक्षी का एक महंगा हार खो जाता है और वो बिंदिया के घर वालों को रोक लेती है। बिंदिया के घर वाले और दादी जा रहे होते हैं, वो रोकती है कि नहीं मेरा एक हार खो गया है और मैं सबकी तलाशी लेना चाहती हूं। ये देखकर ना क्रिश को और थोड़ा घर वालों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन भी तलाशी शुरू हो जाती है। यहां पर दादी की तलाशी होती है, घर वालों की तलाशी होती है और कुछ भी नहीं मिलता। अब इसके बाद ना बिंदिया को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि भाई दादी से वो बहुत प्यार करती है। और बिंदिया कहती है कि ठीक है, अब तुमने मेरे घर वालों की तलाशी ले ली है, अब साक्षी के मायके वाले भी आए हुए हैं ना, उनके घर वाले भी हैं, तो उनकी भी तलाशी ले लेते हैं। तो जिसे सुनकर ना क्रिश और उसकी मम्मी के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो जो क्रिश के पापा, वो कहते हैं हाँ कह तो ठीक रही है क्योंकि भाई उसके मायके वाले भी आए हुए हैं और उसके घर वाले भी हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और साक्षी के घर वालों ने चोरी तो की नहीं है, तो तलाशी में क्या दिक्कत होगी? जो साक्षी है उनके घर वालों की भी तलाशी शुरू होती है, तो हो सकता है जो हार है वो साक्षी के घर वालों के पास हो। तो अब देखना होगा कि भाई हार मिलता है या नहीं, और अब किसके पास मिलता है, क्या साक्षी के घर वालों के पास मिलेगा हार?